वेलकम टू माय चैनल इजी वे टू लर्न कन्नड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे अक्षर अभ्यास ऐदु। अक्षर अभ्यास वंदु एरडु मूरु नालकु ये हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे अक्षर अभ्यास ऐदु। इसमें हम पढ़ेंगे लेटर्स और लेटर का राइटिंग, सिंगल लेटर किस तरह लिखते हैं वो सीखेंगे। फिर वर्ड्स किस तरह लाइन फॉलो करके सीखते हैं वो सीखेंगे, और वर्ड्स किस तरह कन्नड़ा रीडिंग करते हैं वो भी पढ़ेंगे। फिर हम वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अक्षर अभ्यास ऐदु, ये है सिक्स लेटर्स। इसमें कुछ लेटर को स्लोली पढ़ते हैं, मतलब फास्ट पढ़ते हैं, और कुछ लेटर को थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है ए, 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 ई, आ, त, ल। चित्र तोरिसी पद हेलिसी, मीन्स पिक्चर दिखा के आपको ये वर्ड को पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है। ए ए ए लेटर है, ए लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड है। एर क, एर क, एर क। ए ए त, ए त। ई इन, इन। आ आल, आल। त तबल, तबल। ल नल, नल। अभी हम देखेंगे कोटिरु अक्षरगळन्नु गुंडागि नकलु माडि। अभी हमको इन लेटर्स को प्रैक्टिस करना है। किस तरह प्रैक्टिस करते अभी देखते। तो ये है, यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह, फिर सर्कल, देन इस तरह। ये हो गया ए। फिर से हम देखते हैं इस तरह ए, फिर से इस तरह। जिगजैग लाइन के बहुत ही इजी है, इस तरह प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद है ए। इजी में बोलूंगी तो ये स्मॉल ए है, ये बिग ए है। जो जब प्रोनाउंस करते हैं तो इसको थोड़ा सा खींचा जाता है ए बोल के, ए ऐसे आके फिर इस तरह, फिर से इस तरह, फिर से ये इस तरह। तो ये हो गया। अब ये ई है, ई। इसको भी जल्दी पढ़ेंगे, ई, 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 ई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कौन से लेटर्स हैं। आ त ल, इसको किस तरह लिखते हैं। आ, यहां से मैं देख देती हूँ, आ, फिर आ, इस तरह स्टार्टिंग से आकर इस तरह बाहर ले ले। उसके बाद है त। त इजी है, जिस तरह हम त्री लिखते हैं उसी तरह लिख सकते हैं। जैसे पहले ऐसे स्टार्ट करें, ऐसे करके फिर ऐसे, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ, ऐसे इस तरह, उसके बाद फिर इस तरह, फिर ऐसे सर्कल, फिर ऐसे करके फिर ऐसे, ये हो गया। उसके बाद है ल। ल भी इजी है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, फिर ऐसे क्रॉस जाएंगे, फिर ऐसे आके फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर से इस तरह, फिर इस तरह, उसके बाद ऐसे, फिर जिगजैग लाइन, सर्कल लाइन, उसके बाद स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया ल। अब हम, ये फ्री हैंड था, अब हम देखेंगे दो लाइन के किस तरह लाइन फॉलो करके लिखना है उसको हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है ए। ए को ये लाइन के अंदर में फॉलो करके लिखना है, अभी मैं दिखाऊंगी। देखिए ये है ए,
ए, उसके बाद है ए, ए भी इसी तरह, इस तरह ए, ई ऐसे, फिर इस तरह आ, आ त, त हम इसी तरह याद सीखे थे त। उसके बाद है ल, ल को इस तरह लेके फिर इसका जो तले कट्टू है बाहर आएगा, त का और ल का तले कट्टू बाहर आएगा। तो ये हो गया, इस तरह आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अभी ई पदगळन्नु स्पष्टवागी उच्चरिसलु हेळि, मीन्स ये वर्ड्स को हमको पढ़ना है जो ये 6 लेटर्स को मिला के वर्ड्स बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इजी तरीके से सिखाती हूँ, जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग किस तरह लेटर को, वर्ड को पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 लेटर है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, 2 लेटर को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 3rd लेटर को मिला के पढ़ेंगे। ए र, एर क, एर क। ए ड, एड बल, एड बल। ए त, एत, एक, एक दल, इन, इन, आल, आल, आत, आत, आल, आल, आग, आग, स, आगस, आगस मीन्स स्काई, स्काई को बोलते हैं आगस। त ब ल, तबल, तवक, त न य, तनय, न ल, नल, स ल, सल, क ल स, कलस, ब ल प, बल प। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम देखेंगे अब इन्हीं, यहाँ पे तो हम सीखे सिंगल लेटर किस तरह लिखते हैं, अभी हम वर्ड्स सीखेंगे किस तरह लाइन फॉलो करके लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं, ये क्या है, द ल, दल। तो हम लिखेंगे द, द ल, ये हो गया, तले कट्टू कभी भी लाइन से बाहर आएगा। उसके बाद म, त, इस तरह मत। उसके बाद है आट, आटा मतलब खेलना, खेल को बोलते आट। एत, ए त, एत। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट आल, आ ल, ए ड, एड, ई न, इन। उसके बाद है फिर त ल। इस तरह आप अपने बुक के अंदर में डाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा से आपका हैंड राइटिंग। आपको चाहिए तो इस तरह का नोटबुक्स भी आते हैं जिसमें 2 लाइंस रहते हैं, स्पेशली फॉर कन्नड़ा, कन्नड़ा के लिए ही वो नोटबुक्स रहते हैं, तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये हो गया किस तरह वर्ड्स को हम लिखते हैं। अभी हम चलते हैं वर्कशीट की तरफ से, वर्कशीट अभी हम सॉल्व करेंगे, वर्कशीट को अभी हम देखेंगे। तो इसमें है अ पट्टियल्ली पदगळन्नु, आ पट्टियल्ली चित्रगळन्नु कोट्टिदे, चित्र के होंदुव पदवन्नु गुरुतिसि हेळिसि मत्तु चित्रद पक्कदल्ली बरेयिरि। अ पट्टी में वर्ड्स है, आ पट्टी में पिक्चर्स है, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, ये और ये, इसी का मैच द फॉलोइंग्स यहाँ पे देखे हैं। तो हमको चित्र, पिक्चर देखना है और वर्ड आइडेंटिफाई करना है, ये पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, जो ऑप्शंस यहाँ है, और उसको यहाँ पे ये चित्र, ये पिक्चर के बाजू में लिखना है। तो इसको हम क्या पढ़े थे, एर का बोल पढ़े थे,
एर का, तो अभी हम मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जो हम लाइन फॉलो करके लिखना है। ए र क, एरक। एरक मीन्स जो चाय बनाते हैं ना बर्तन, उसको बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है, एता। एता यहाँ जो हम पढ़े थे पीछे, एता। एता मीन्स कुआं के अंदर में जो पानी निकालते हैं ना कुएं के अंदर से, उसको बोलते हैं एता, जो ये चीज है। उसके बाद ये क्या है, इना। इना मीन्स सनसेट या सन को भी बोलते हैं। इना जो यहाँ पे है, इना, ई ना, इना। उसके बाद ये क्या है, आला। आला मीन्स बनयन ट्री। आल, आल द मरा भी बोलते हैं, आला भी बोलते हैं, आ ल। उसके बाद है ये तबला, जो इधर है तबला, इसको बोलते हैं तबला, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। त ब ल, तबला। अब ये क्या है, लास्ट क्या बचा, नड़ा। नड़ा ये है टैप, टैप को बोलते नड़ा। यहाँ पे एक चीज, आज हम जो पांच सिक्स सिक्स लेटर्स पढ़े हैं ना, ए ए ई आ त ल, ये सिक्स लेटर्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे पदगणन ओदिसी बरेसी, एज इट इज जैसा है वैसे ही हमको यहाँ पे लिखना है। पदगणन ओदिसी बरेसी, ये वर्ड्स को पढ़ाना है और आपको लिखाना है, तो यही एज इट इज सेम हम लिख देंगे। ए ड, एडा। एडा मीन्स राइट साइड। इना, इना मीन्स सन को बोलते हैं, इना। तला मीन्स सबसे नीचे, उसको बोलते हैं तड़ा। तो ये हो गया तड़ा। अभी यहाँ पे हम जाएंगे जिसमें सूक्त अक्षरगळन्नु आरिसलु हेळि पद बरेसिरि। इसमें जो लेटर को सेलेक्ट करना है और एक वर्ड बना है, जिस लेटर सही लेटर को चूज करके एक वर्ड बनाना है हमको, उसको यहाँ पे लिखना है। तो जो हम यहाँ पे पढ़े थे, जो वर्ड्स पढ़े थे ना, इसी का टेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको ये इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ डैश है, ट है, द है, प है, तो हम आटा पढ़े थे। आटा मीन्स खेल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आटा, फिर इधर भी एक बार लिख देंगे आटा, इस तरह। उसके बाद त डैश, ए है, ल है, य है, तो इधर ही है आंसर, तळ। तळ होता है तो हमको कौन सा लेटर है, ल लेटर सेलेक्ट करना है, तळ। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे तळ। ये बेसिकली आपको इस वीडियो में रीडिंग भी आ जाएगा, वर्कशीट भी आ जाएगा, और आपको सिंगल लेटर किस तरह लिखते हैं और वर्ड्स किस तरह लिखते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। ए त, यहाँ पे ए डैश है, त है, आ है, ल है, तो हमको कौन सा लेटर सेलेक्ट करना है, एता। एता मीन्स यहाँ पे हम देखे थे ना, एता, एता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे त लेटर, एता। यहाँ स्टार्ट कर देते, यहाँ पे भी लिख देते हैं एता। उसके बाद है दळ, दळ, ल लेटर है, दळ। दळ मीन्स फ्लावर होता है, जो हम यहाँ पे पढ़े थे, एक दड़ा पड़े थे ना, तो एक दड़ा में, एक मीन्स सिंगल होता है, दड़ा मीन्स फ्लावर होता है, तो इसको हम दो वर्ड करके भी लिख सकते हैं, दड़ा। दड़ा मीन्स फ्लावर को बोलते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दड़, यहाँ पे लिख देंगे दड़। उसके बाद ई डैश, ट है, न है, प है, तो हम क्या पढ़े थे, इना। इना मीन्स होता है जो सन है, यहाँ पे हम ऑलरेडी मालूम है, तो यहाँ पे न लेटर सेलेक्ट करना है, इना हो गया। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीजें हम सीखे हैं, कि आई थिंक आप सबको पसंद आ रहा है वीडियोस, बहुत सारे लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो
जो भी आपको इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आता है आप पूछ सकते हैं, और कन्नड़ा के जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले मेरे चैनल को, और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि जिसको कन्नड़ा डिफिकल्ट है उनको भी आसानी हो।